आज हमारे साथ एक नॉर्मल आदमी और एक एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि भाई आपको पता है कि एशिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन चुकी है इस टाइम, कौन सी है एशिया की मजबूत करेंसी? मैं मुझे नहीं पता, आपको पता है? इंडिया की होगी। इंडिया की होगी, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हो। चाइना से भी ज्यादा बड़ी होगी इंडिया की करेंसी? चाइना सारा तो नहीं आता एशिया में, उसको कुछ हिस्सा आते हैं। इंडिया जो है पूरा एशिया में आता है। तो आपने एशिया की बात की है तो हम उस मुल्क को देखेंगे जो एशिया के अंदर है पूरा। चाइना को भी ऐड कर लें, मेरे ख्याल फिर भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग, इंडिया की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद चाइना नहीं, चाइना की नहीं, उसके बाद किसकी होगी? इंडिया के बाद अफगानिस्तान की भी हो सकती है। अफगानिस्तान की नहीं है सर? नहीं, अफगानिस्तान की नहीं है। आप अंदाजा लगा ले। श्रीलंका की तो नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ, अंदाजा लगा ले, मुल्कों का नाम ले लें दो चार। यूएई की नहीं, एशिया की बात हो रही है। एशिया की बात हो रही है। अच्छा मैं बताता हूँ सर आपको, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी के जो रिकॉर्ड आया है सर, वो बांग्लादेश के नाम आया। हाँ बांग्लादेश। अच्छा हाँ जी, बांग्लादेश एशिया में आता है। अच्छा हाँ नहीं फिर ठीक है सर, बांग्लादेश का नाम आ गया। चेक करें इंडिया ने अपने आप को कितना संवार लिया सर, वो तो बड़ी डाउन होती थी करेंसी, एकदम से कैसे निकल गई? जाहिर है उन्होंने, उन कौम ने तरक्की की है, उनके लोगों ने सिंसियरली काम किया है। जब सिंसियरली काम होगा, हर बंदा अपने काम को काम समझ करेगा तो तरक्की यकीनन होगी। अच्छा हाँ, किसको जाता क्रेडिट? उनके जो रूलर्स हैं उनको भी जाता है और उनके पब्लिक को भी जाता है। अच्छा आपको क्या लगता है? उनके हुक्मरानों को क्रेडिट जाता है। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि जो ना मुख्तसर हल्कों की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक वजह और भी है। हाँ एक वजह और भी है, वो वजह ये है कि हमारे यहाँ पर एक सूबे में से जो पार्टी जीती है ना, वो पूरे पूरी हुकूमत बनाती है वो। अच्छा, विच इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ आवर पंजाब में से जो मतलब पहले बांग्लादेश में उस तरह होता था। पहले बांग्लादेश की वजह से हम सफर करते थे और उसे हमने अपना वो हिस्सा ज़ाया कर दिया। अब वो उसी चीज़ को हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि पंजाब में से जो जीते बाकी तीन सूबों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो जिससे हमारी यूनिटी भी वीक हो रही है मुल्क की और मुल्क का जो सिस्टम है वो भी ख़राब हो रहा है। सर करेंसी स्ट्रॉन्ग किस तरह से होती है? करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की ये वजह होती है जितनी चीज़ें हमसे दूसरे मुल्क ले रहे हैं और जितनी हम उनसे ले रहे हैं। अगर ट्रेड कर रहे हैं, हाँ अगर हम बाहर से चीज़ें जो ले रहे हैं उसमें अपना डॉलर्स कम खर्च कर रहे हैं और हमारी चीज़ें लोग बाहर की दुनिया ज़्यादा ले रही है, वो हमें डॉलर दे रही है, तो उस रूप में करेंसी जो इम्प्रूव करती है। सर इन्वेस्टमेंट भी तो आ रही है बहुत ज़्यादा बल्क में आ रही है। इन्वेस्टमेंट एक वो भी इसी सिलसिले में है, अगर वो ज़्यादा आ रही है और हमारे अमाउंट बाहर कम जा रहा है तो वो भी वही बात है। यानी मकसद ये है कि अगर डॉलर हमें बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी चीज़ें जा रही हैं या हमारी कोई चीज़ बिक रही है, ख्वाब वो पॉलिटिशियन का मामला है या कोई ऐसी चीज़ है या कुछ चीज़ें जा रही हैं और बाहर से जो चीज़ें आ रही है वो उस हमारे मुल्क में जो है डॉलर्स नीच खर्च हो रहा है उतने, तो उस सूरत में हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। सर अब पहले तो इंडिया को इंडिया कहा जाता था लेकिन अब नरेंद्र मोदी का इंडिया कहा जाता है। उस बंदे ने जब वो आया था तो सर 12वें नंबर पर या 11वें नंबर पर मईशत थी, 5वें नंबर पर ले गया बंदा मईशत को। नहीं उसकी वजह यह है ना, इंडिया की जो ट्रेडिंग है, हम अगर अपना चावल देना भी चाहें तो बाहर मुल्कों को नहीं दे सकते। क्यों? कि इंडिया की जो इम्पैक्ट है दुनिया को, वो उस इंडिया से 40 चीज़ें लेती हैं, उसमें चावल भी लेती हैं, हमसे वो चावल लेते हैं बाकी जो 25 चीज़ें वो ले ही नहीं सकते हमसे। सर ऐसा क्यों है? जो उनकी मुल्क के अंदर इतना बड़ा मुल्क है, उसकी हर सूबे के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया की डिमांड है। जिस तरह के हम जब बांग्लादेश के साथ थे, हमारी पटसन फ़ौरन बिक जाती थी, हमारा गन्ना फ़ौरन बिक जाता था, चावल फ़ौरन बिक जाता था, नारियल फ़ौरन बिक जाता था, तो हमारे जहाँ पर डॉलर की कीमत क्या थी? बिल्कुल गिरी हुई थी। इंडिया की गिरी हुई है, 81 पर चल रहा है। दो चीज़ें हैं ना, उस वक्त हमारी ये चीज़ें दुनिया ले रही थी, हम दुनिया से कम चीज़ें ले रहे थे, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग थी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।